सालों सब मेरे अंदर के राज खुल रहे हैं, कैसे सोता हूँ कैसे उठता हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबको? राधे राधे। कल रात को पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो गया, सारी बैटरीज वगैरह एकदम निचुड़ गई थी, और फिर ऐसा था व्लॉग भी एडिट करना है, सुबह टाइम से अपलोड करना है, तो इस चक्कर में मैं एंडिंग लेना भूल गया, इसलिए मैंने डाल दिया था कल के व्लॉग में कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं एंडिंग नहीं ले पाया और बहुत थके आ रहे आए घर में, और आते ही सब सो गए। मॉम कैसा रहा आपका हरियाणा हिसार भनभोरी माता के दर्शन? एकदम बढ़िया बेटा, बहुत मजा आया। और कैसा लगा जसलीन का सब कुछ वहाँ पे? जसलीन लोगों को कैसी लगी? सबको, दादी को, चाचा को, सबको बहुत बढ़िया। मेरे को लग रहा दादी की तो फेवरेट होगी। फेवरेट होगी, और इधर ताई, इधर नरेश भैया लोग सब कुछ हो गया ना, सब खुश हुए। हाँ भाई, पसंद आया। कैसा रहा तेरा हिसार दर्शन? मजा आया। मजा आ गया ना? मजा आ गया, दर्शन तो बहुत अच्छे। आप बताओ गोयल साहब कैसा रहा? बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया, है ना? भनभोरी माता के दर्शन कितने बढ़िया हुए। हाँ, एकदम भगवान के करीब करवा के अपने दर्शन करवाए, है ना? इतनी पास से दर्शन पहली बार हुए। भनभोरी माता हमारी कुल देवी हैं, उनके दर्शन नहीं पीछे से दो बार हो गए अब तो। हाँ, भनभोरी माता के दर्शन हमारे इस बार बहुत बढ़िया हुए, और ऑल थैंक्स टू गुलाब जी जो वहाँ के संचालक हैं, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी, और इतने करीब से दर्शन हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम कर पाएंगे, तो हमारे इतने बढ़िया दर्शन कराने के लिए थैंक यू सो मच गुलाब जी। तो पिताजी, आज हम कर रहे हैं एक चैलेंज जिसमें कि ये पता लगाएंगे कि इन दोनों में से मुझे सबसे ज्यादा कौन जानता है। तो आपके हिसाब से मुझे ज्यादा कौन जानता होगा, जसलीन या प्रिया? पता चलेगा प्रिया मुझे कितना जानती है अभी चैलेंज में। तो मम्मी, आज हम एक चैलेंज कर रहे हैं जिसमें पता लगाएंगे कि मेरे को कौन ज्यादा जानता है, प्रिया या जसलीन। बताओ आपके हिसाब से कौन ज्यादा जानता होगा? प्रिया। क्यों? छोटे से तेरे साथ रही है। अच्छा, पापा ने भी यही बोला। अब चैलेंज के बाद पता चलेगा कौन ज्यादा जानता है। जसलीन भी थे हैं, जान सकती है। हाँ, जसलीन भी जान सकती है। एक बात बोलो, अब जसलीन 4 साल से तेरे साथ है, तो कौन ज्यादा जानता होगा ये बताओ। हैं, कौन? जसलीन। चलो ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक चैलेंज जो कि होगा इन दोनों के बीच में, और जो कि जुड़ा है मुझसे, क्योंकि सवाल होने वाले हैं मेरे बारे में। सो दिस इज द चैलेंज बिटवीन माय गर्लफ्रेंड एंड माय सिस्टर, हु नोज मी बेटर। कौन मुझे कितना जानता है, आज पता चलेगा। मी, तू तो बचपन से साथ है, कुछ शर्म कर ले, अपने भाई को नहीं जानती। ये तो पहले ही डरी पड़ी है, तो पहली बार मान के, और वो भी तो बता दो, आपका जवाब हम जवाबों में देंगे। आप क्या बोल रहे थे कि भाई जो हारेगा जीतेगा, और इस चैलेंज के अंत में जो विजेता होगा उसको मिलेगा एक तोहफा मेरी तरफ से, और जो हारेगा उसको मिलेगा डेयर। जो डेयर होने वाला है वो ये है कि नेक्स्ट डे मतलब कल, ये दोनों में से कोई एक मेरी सारी बातें मानेगा, जो मैं बोलूंगा वो करेगा। सो दैट इज गोना बी द डेयर। मतलब क्या, कुछ भी मैं बोलूंगा, मेरे लिए मैगी बना ले, मेरे लिए चाय बना ले, मेरे लिए बना ले, चाहे एक बार दो बार चाय बना लू तुमसे, और इसके लिए मैंने निकाल के रखे हैं कुछ सवाल जो कि मैं एक एक करके पूछने वाला हूँ, और उनके जवाब मैं लिखूंगा इधर। हाँ, पहले लिख देना, चीटिंग मत करना। हाँ, चलो ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। गाइस, अगर मैं कल हार गई, योर फिंगर्स जसलीन, इट विल बी द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ। पहला सवाल मैं शुरुआत करता हूँ बहुत ही इजी आंसर से, बहुत ही इजी सवालों से, मतलब बहुत ही इजी जवाब होने वाला तुम्हारे लिए। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? राइट योर आंसर फर्स्ट। प्रिया, मुझे वाले चीटिंग मत करियो, उधर कर ले। पहला अपना आंसर लिख लेता हूँ। मेरे यार फेवरेट डेस्टिनेशन, इतना सोच के मत लिखो, आपको टेंशन मत लो, मालदीव नहीं लिख रहा। फेवरेट डेस्टिनेशन लाइक, चुप नहीं, तूने अभी नहीं आंसर के बाद बोलना, जो बोलना आंसर के बाद बोलना। पता ही नहीं है, बताओ तो बोलूं। फेवरेट डेस्टिनेशन, ओके लेट्स स्टार्ट। हां भाई, तू बता। फेवरेट डेस्टिनेशन है इसकी बेड। तू बता, मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है, पड़े रहना पसंद है, इसको घूमना नहीं पसंद, ना इसको पहाड़ पसंद, ना बीच। वैसे तो इसकी फेवरेट डेस्टिनेशन मुझे क्या ही पता होगी, इसकी गर्लफ्रेंड को बताओगी, मुझे थोड़ी अपने साथ घुमाने लेके जाओ। अरे ऐसा फालतू बातें मत कर,
डायरेक्ट आंसर से ये थोड़ी पूछूंगा स्वीट होम, क्योंकि ये पूरा दिन घर में रहना ही पसंद करता है, इसको बेड से उठने में भी मौत आती है। ये तो सेम ही आंसर हो गया फिर, तो पता ही है। तो दोनों का जवाब है गलत। मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है ये सिंगापुर। जो लड़का आज तक जसलीन और प्रिया का स्कोरबोर्ड यहाँ चल रहा है, जो लड़का आज तक मैंने आपसे सिंगापुर नहीं सुना, जिस लड़के को कभी ये कह दो कि चलन मार्केट हो आते उसको रोना पड़ा रहता है। जितनी बार ये मुझे फोन करती है, मुझे सुबह बोलती है अभियान कहाँ पे हो, मैं इसको बोलता हूँ कि मैं नहाने गया हूँ, तो मैं नहाने नहीं गया होता, मैं हगने गया होता, तो मैं तुझे यही बोलता हूँ मैं हगने गया हूँ, नहीं बोलता ना, तो मैं यही बोलता ना नहाने गया हूँ। तो कुछ चीजें होती है जो बंदे को पता चल जाती है, ऐसा इसका मतलब कह रही की आपने मुझे कभी सिंगापुर नहीं बोला। पर मैंने ये सोचा था कि ये जसलीन को पता होगी, क्योंकि घूमने के लिए मुझे साथ में थोड़ी लेके जाएगा, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाएगा। ओके, सो हमारा अगला सवाल है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, What is my favorite all-time snack? मतलब मैं कभी भी खा सकता हूँ और मुझे बहुत पसंद है। अब ये तो बच्चा भी बता देगा। ये तो पहले मैं जवाब लिख लूँ। कभी भी खा सकता हूँ, कहीं भी खा सकता हूँ। अब मैं अपना जवाब ऐसा तगड़ा लिखूंगा जो तुम। आप हमेशा हर चीज अलग ही लिखोगे। अलग क्यों लिखूंगा भाई, जो मेरा जवाब है मैं वो लिखूंगा। स्नैक में तुम्हें चलो एक और वो थोड़ा सा मैं इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। स्नैक्स का मतलब है जैसे कि हम चिप्स चुप्स लेके आते हैं, उसमें एक चीज ऐसी है जो मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। अच्छा, अब एक सेकंड रुक जाओ, मैं पहले अपना लिख लूँ। आई नो दैट। अब ये दो आंसर है, दो आंसर है, दो चीजें से स्नैक्स। ओके, आई एम रेडी विद माय आंसर। हां, तू तो पहले चिप्स बोलेगी। नाचोस जलपिनो वाले। ओके, ये तो कभी भी नहीं खाता ये। तेरा आंसर क्या है? ये वैसे पॉपकॉर्न्स खाना प्रेफर करता है। करता था। माय आंसर इज कुरकुरे सॉलिड मस्ती। मैंने परसों भी मंगवाया था पैकेट में, येलो कलर वाले वो खाता है। कुरकुरे सॉलिड मस्ती इज माय फेवरेट स्नैक। जो मैगी वाला आता है वो वाला, इसकी वो चॉइस बदलती है। तो ये हम दोनों ही आ रहा है यार। ये ऐसे तो ये रोज ही बदलता है। ये ऐसे तो टीना को जब भी हम कहीं जाने जलपिनो वाला यूं तभी मेरे को बोलेगा देखियो कहीं पॉपकॉर्न मिल जाए। नहीं, मैंने बोला पॉपकॉर्न पहले बोलता था मुझे। अंकल चिप्स भी होता है। मेरा तीसरा सवाल, मेरा तीसरा सवाल, चीटिंग कर रहे हो आप। इसके लिए तुम्हें दिया गया है, इसके लिए तुम्हें दिया गया है एक मीटर नहीं दे रहा, छोड़ यार, फिर तुम लोग लड़ाइयां करोगे आपस में। मेरा तीसरा सवाल है, तुम्हारे हिसाब से, तुम दोनों के हिसाब से ऑन द, और पहले जवाब मत दे, पहले बता रहा हूँ, अपने मन में रख, समझ गई ना। तो सवाल ये है कि ऑन द स्केल ऑफ 10, 10 के स्केल में मेरा पेशेंस लेवल क्या है, तुम्हें गेस करके बताना है व्हाट इज माय पेशेंस लेवल नंबर। अगर मेरे कॉन्टेक्स्ट में बात जाती है, मेरे कॉन्टेक्स्ट में बात जाती तो जीरो है, और इसकी अगर जाती है तो 7 तक जा सकता है। 7, तू बोल। मैं बताती हूँ, मेरे तक जाती है तो 9 तक जा सकता है। ये एंड तक वेट करता है। तू कह रही 9, ये कह रही 7। तू जाना नहीं, तू क्या कह रही है? 7 किसके लिए कह रही है? मेरे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मत बोल, पेशेंस लेवल बोल। पेशेंस लेवल इसका सबके लिए या हम दोनों में? भाई सबके लिए पेशेंस लेवल मेरा, मैं किस बार कितने हद तक जाके मैं गुस्सा हो सकता हूँ, 10 में से ये बता दो। 8, 9, 8, एक बोल। 8 या 9, 9, 9 जिसका करीब होगा उसको ले लेंगे। 4 मेरा जवाब है। 6 तो मेरा गुस्सा मीटर नॉर्मल ही है। ये घर में तुझे पता है यार, जैसे अभी ऐसे प्रिया बनाई क्यों, उसने 4 बोला, 4 बोला ना, तो आंसर तो करेक्ट होना चाहिए ना। कितना करीब आ सकती है, मैंने बोला ऐसा नंबर होना चाहिए ना, दोनों ने उसने। चलो अभी तक कोई भी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया, मुझे लगता है घंटा मुझे नहीं जानती है। चलो अब ये तो भाई इसमें पहले मैं एक सेकंड पहले मैं इसका जवाब लिख देता हूँ। मीटर था ना वो, तो मैंने इस चार से बोलता थी कि पूरा घर में मुझे इतना पता है, इसको एक बार एक चीज बोलो दूसरी बोलो। अगले सवाल का जवाब मैं लिख चुका हूँ, ताकि इसको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि मैंने चेंज कर दिया। What is the name of my favorite movie? Favorite movie का नाम क्या? जो मेरे fans हैं, जो मेरे die hard हैं, उनको तो पता ही होगा। चल इसका answer पहले तू बता दे। मेरे को नहीं पता आपकी favorite movie, honestly नहीं पता। मुझे आपका favorite actor recent का पता है। कौन सी? ये recent movie। और मैंने लिखा हुआ है already। मैं कह रही हूँ ना, अभी तो आप recently में ही कोई नहीं लोगे। नहीं, मेरे को देखने की, मैंने देखी नहीं। चल भाई बता। मैं cheating नहीं करूँगी।
एक्टर बता सकती हूँ आपका, गोविंदा फेवरेट है तो उससे उसकी मूवी हो सकती है, फेवरेट मूवी बोला मैंने, गोविंदा की हो सकती है। मैंने तुझे 10,000 बार बोली है, बता भाई। बिल्कुल नहीं पता, जल्दी बोल यार, बता। तो अरे हीरो बता दे, कुछ बता दे। वो सलमान खान की पिक्चर है ना जिसमें देखो ऐसे करती है, वो ऐसे करता है, वो जिसने गाने में तो हमेशा देख के वो खुश होता है यार, कितना उसमें ये अक्षय कुमार इसका फेवरेट एक्टर है, वन ऑफ, मतलब उसकी कोई मूवी हो सकती है, गोविंदा की हो सकती है, इसके तो सारे। अरे नाम बोलो यार, आई अप्रिशिएट आर्ट एंड द आर्टिस्ट, दैट्स व्हाट यू कॉल इट, किसके सारे फेवरेट है, इसका ये कहने का मतलब ये है। बोलो यार, पता नहीं यार, नहीं पता। अबे नमस्ते लंदन यार, 2000 देखा, अब मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ये तो हम कभी भी देख सकते हैं अक्षय, हाँ ये तो कभी भी देख सकते हैं। नमस्ते फॉरवर्ड, मेरे को पता नहीं क्यों थी मैं, हेलो एक चीज तो सही बता दो, वो आदि मेरी भी फेवरेट है। अच्छा ये तो मेरे को पता था। चलो एक बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलो ये मैं बता रहा हूँ, इसका जवाब प्रिया को ज्यादा पता हो सकता है, इसका जवाब प्रिया को ज्यादा पता हो सकता है। प्रिया को वैसे बहुत कुछ पता होना चाहिए था, 4-0 ले चुकी है वो भी मेरी तरह। वैसे ये फायदा तो है, जल्दी में 0 पे चल रही जैसे कहते हैं, फालतू बातें मत बोल, समझ ना। एक दिन ये इसके चैलेंज के बाद ना आपको तो गलती, ये 10 में से एक लिया ना, तो बात। अब मुझे ये बताओ कि स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, मैंने तुझे बहुत बार बोला है कि जैसे, हाँ तू बता भाई, पहले तू बता। मुझे फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बता क्या, अलका शर्मा मैडम। फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, या तो संस्कृत या इंग्लिश। तू बता मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, संस्कृत या इंग्लिश। चलो इसका जवाब हो गया, रिकॉर्ड इसका संस्कृत। चल अब तू बता, संस्कृत तू बता भाई। मैथ्स तो इसके बस की नहीं है, वैसे अगर देखा जाए अपने को मत दियो मुझे। अलका शर्मा मैडम तेरी फेवरेट, तो उसी का सब्जेक्ट भी फेवरेट होगा ना, उसका सब्जेक्ट इंग्लिश था ना, तो मैं तो संस्कृत बता रही हूं कि संस्कृत में अच्छा है, इंग्लिश होगा। ये जब से अलका शर्मा मैम कह रही है, अलका शर्मा हमारी इसकी SST की टीचर थी, मैंने बोला का तो माइनस नंबर मिलने चाहिए। मैं एक चीज बताती हूँ, ये इतना बड़ा रट्टू तोता था ना, इसको पेंट के अंदर कोई याद नहीं है, मैं जीतनी चाहिए। मैं इसको कुछ भी पूछती थी ना, जैसे रिवीजन कराने के टाइम पे, तभी एक क्वेश्चन पूछा कि पेंट नंबर तक बता रहा था कि ये टॉपिक इस पेंट नंबर पे लिखा, इतना रट्टू तोता था ये। अच्छा अब मैं जब अगला सवाल पूछूंगा ना, तो फिर ये लोग मुझे बोलेंगे ये तो तेरा रोज चेंज होता है, ये तो होता ही है, इसने सारे अलग ही लिखे हैं। चलो मैं ना इसका जवाब, मैं क्या लिखूं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, किस सिंगर देखा क्या लिखूं क्या लिखूं, रोज इसका सिंगर, रोज इसकी मूवी, रोज इसके एक्टर बदलते हैं फेवरेट। अरे यार ये तो बहुत दुविधाजनक सवाल है यार। चलो नेता 0-0। चलो भाई मेरा अगला सवाल है, हु इज माय फेवरेट सिंगर, पुराना कला का प्रेमी हूँ, तो आपको पसंद होगा, कला को पड़ोस में बुला लो। तो अगर आपका होगा, अगर ऐसे देखा जाए जो टैलेंटेड है, ट्रू फैन ऑफ दिलजीत दोसांझ है, दिलजीत। चलो तुम्हारी सोच कहीं तो आके मिली, पर ये सवाल का जवाब गलत है, जब तुझे पता है हर गाने पे विशाल मिश्रा लगाता हूँ, हर वीडियो में विशाल मिश्रा लगा रहा हूँ, मेरा फेवरेट सिंगर वही है, हनी सिंह से दिलजीत पे है, और अब ये रिसेंटली जो जिसके पागल है ये वो है, ये ऐसे ही फेवरेट सिंगर में काम नहीं होता, ये चॉइस, फेवरेट सिंगर सारे गाने इसके सुन रहा हूँ मैं आजकल, सुनने और कभी भी किसी का सिंगर बदलता नहीं है, फेवरेट फेवरेट ही रहता है। चलो कोई नहीं, ये एक ऐसी अगर ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जाए तो मैं बताऊंगी, जो सारी इसके गाने गाता ना, इमरान हाशमी की पिक्चरों में गाने थे वो के वाले गाने। अगला सवाल बहुत ही, ये जो कह रहे हैं चेंज कर लेता है, ये कर लेता है, आगे पीछे बढ़ा रहा है, सब कर रहा है, अब तक नहीं जीत पाया। व्हाट इज माय शू साइज, पहले प्रिया बताएगी इसका जवाब, व्हाट इज माय, मेरा जूते का नाप बोल, तूने तो कई बार ऐसे जूते का नाप बोल, तूने कितनी बार मुझे जूते गिफ्ट किए, मुझे नंबर
नंबर पूछ रहा था, मैं वो क्यों गिफ्ट करेगा? साइज का जूता करूंगा कि मेरे साइज का जूता तो अपने अलावा भी भाई को भी कभी कुछ गिफ्ट दे, मैंने इसको इतने गिफ्ट बोल बोल चल आंसर बता, आंसर बता, गिफ्ट मत गिनवा, ये इसका आंसर तो मुझे पता है, बोल ये देख, बोल ये देख, बोलना बोलना बोलना, ए बोलना, आठ नंबर होगा, कितना आठ नंबर होगा, आठ, क्योंकि मैं लेके आई हूँ इसके लिए आठ। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो यार ये इसके आंसर दो तीन है पर मुझे बहुत सोच समझ आंसर दो तीन है तो हम, अरे मतलब काफी चीजें पसंद है इसमें, उधर आगे आ जाओ बैठा, क्यों बैठ पीछे हो गए, तो आगे जल्दी आगे हो, मैं तो देख ही नहीं रही, मैं तो देख ही नहीं रही, फेयर गेम खेलती हूं मैं, आ रहे फेयर गेम जल्दी है, हमें सारे नहीं पता, अभी जल्दी में रोएगी फेयर गेम, अरे आप दो दो मिनट में अपनी चीजें बता, अरे यार जल्दी नाटक मत कर यार, ये आप वो ही कल बदलू, देखो चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा फेवरेट डेजर्ट क्या है, मतलब मुझे खाने में मीठे में क्या पसंद है, मीठे में क्या पसंद है, व्हाट विल आई बता, बढ़िया तेरा तो भाई है, दिन रात तो अच्छे गया, बता भाई बता, चल तू बता, रसमलाई गाजर है, रसमलाई है जो गाजर का हलवा लिख दिया, दौर के हिसाब से जवाब दूंगी, अच्छा ठीक है चलो अब अगला सवाल है, फेवरेट कलर भी पूछ ले ताकि तू दो मिनट बता दे, वो ये सवाल तो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत इजी, बहुत ही पेचीदा सवाल आएगा, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी, मतलब मुझे बीचेस ज्यादा पसंद है या माउंटेन्स पहाड़ी या बीचेस, गाइस तो छोड़ मुझे बता, गाइस जरा इसको पूछना मुझे कितनी बार घुमा के लाया, अरे तू अपने से रिलेटेड छोड़, ये बता मुझे, मुझे बीचेस ज्यादा पसंद है कि मुझे माउंटेन, एक आंसर बता देना, बाकी मतलब आ जल्दी जल्दी बता, एक भी नहीं गलत हो गई तो शिमला में एक ठंड में बैठ बजाई थी और गोवा में जाके गोवा का गर्मी लिया, गोवा का एक्सपीरियंस मुझे पता नहीं है, वैसे इसको मिट्टी इतनी ज्यादा पसंद नहीं हुई, हां तो मिट्टी भी नहीं पसंद, चला लो माउंटेन थी, माउंटेन बीच मुझे क्या पता, मैंने इसको इतना यकीन दिला दिया, अब अगले सवाल में प्रिया क्रोधित होना शुरू हो गई क्योंकि इसको लग गया एक पीछे हो गई, देखो भाई मुझे ये हाँ ये घूम के आते हैं, मुझे क्या पता कहाँ उसको मजा आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा, मेरे को कोई आगे अपना शेयर करता है आंटी से, आंटी को बोलता मैं नहीं जाऊंगा, चलो व्हाट इज माय, एक नंबर आगे होगी बच गई कल के काम से, भाई व्हाट इज माय ऑल टाइम फेवरेट अटायर, मतलब क्लोथ्स में मैं क्या पहनना पसंद करता हूँ, मतलब मुझे कंफर्टेबल क्लोथिंग क्या लगती है, ऐसे शब्द यूज करते अच्छे नहीं लगते, कच्चे बनेंगे तो आपको कुछ नहीं पसंद, बताओ बताओ भाई मेरी कंफर्टेबल क्लोथिंग बताओ जो एग्जैक्ट बता देगा, यार ये तो फिर दो टाइप और है ना, अगर आप बोलो कि हाँ मेरा कैजुअल, मैंने तुझे क्या बोला, मैंने तुझे क्या बोला, कंफर्ट में तो सबका नाइट सूट ही आता है, क्या नाइट सूट भी पर्टिकुलर होता है, तो वही यही सैंडो और वो पजामे में घूमते हो आप अपना लोअर और बनियान। अब अगला सवाल जो है वो है कि मैं
सीधी साइड सोता हूँ कि उल्टी साइड सोता हूँ, मतलब ऐसे सोता हूँ कि ऐसे सोता हूँ, बताओ भाई कमर के बल। पहले मैं इसका जवाब लिख देता हूँ। उल्टी साइड सोता हूँ इसका आंसर तो आंटी भी बता देगी, आधी जिंदगी बिना देखे मम्मी बता सकती है। अभी तुम्हारे रूम से अलग अलग हुए, कल पोछा मरवा दूंगा पूरे घर में, बता रहा हूँ। बोल, इसका जवाब नहीं दी तो बोल, मैं बता भी सकता हूँ तू कौन से टाइप के खराटे मारती है। मैं इसका क्या हूँ, मैं ये भी बता सकता हूँ कौन सी टाइप के खराटे मारती है, सब बता सकता हूँ मैं। बता बता बता, सीधी या उल्टी? मैं भी कंफ्यूज हूँ, उल्टी या सीधी? जल्दी बोल, सुबह के टाइम में कि रात के टाइम में? जल्दी बोल, सीधी या उल्टी? तुझे पढ़ा हुआ देख जा, बोल बता देना। मैं नॉर्मल एक साइड पढ़ाता हूँ, सीधी या उल्टी? सीधी, ऐसे टांग करके दिस शेप फोर ऐसे। हाँ, सीधी या उल्टी? सीधी, सीधी साइड फोर नंबर बना के ये ऐसे सोता है, ऐसे करके। अरे इसका हाथ यहाँ पे है, आंखों पे ताकि रोशनी सब बता दो। अरे सुबह टांगों की पोजीशन ये होती है कि ऐसे नहीं, मैं हाथ ऐसे इसलिए रखता हूँ ताकि मेरे सर पे हवा ना। अरे हाथ नहीं, मैं पैर की बता रही हूँ। सब मेरे अंदर के रात खुल रहे हैं, कैसे सोता हूँ कैसे उठता हूँ। गाइस वैसे मैंने तुम्हें पजामा बताया, ये तो मुझे अभी, ये तो मुझे अभी डिसाइड करना पड़ेगा अपने बारे में। पहले डिसाइड जो आंसर मैं लिखूंगा मैं डिसाइड करके लिख रहा हूँ अभी। चलो कोई नहीं, ये भी डिसाइड। आगे हो प्रिया, आगे हो। ओके हाँ चलो, इसका जवाब तो तुम लोगों को पता होगा वैसे। व्हाट इज माय फेवरेट कार? What is my favorite car? प्रिया तू कल पोछे लगाएगी देगा पूरे घर में। विच इज माई फेवरेट कार, टेल मी बेटे। अभी मम्मी को बोला, मम्मी बोल रहे तेरे मुंह पे बोल रहे ये है, याद कर ले कल पोछे लगाते टाइम याद कर ले। मेरे को तो वैसे जहां जहां तक अभी रुक जा, पहले इसको बता दे, बता फॉर्चुनर। ओके यू टेल मी, रेंज रोवर। रेंज रोवर भाई को पता अच्छा स्कूल में फेवरेट सब्जेक्ट था कौन सी, गर्लफ्रेंड को पता होता है, बहन को पता होता है, पूरे गिस्से पता होता है। ये रेंज रोवर इसको पता है क्यों पसंद है, क्योंकि इसको अंदर का इंटीरियर पसंद है और फॉर्च्यूनर सिर्फ डब्बा है, अंदर से कुछ भी नहीं है उसमें। बहुत सारे फॉर्च्यूनर लवर हैं भाई। अरे तो यार फॉर्च्यूनर लवर ठीक है, वो सिर्फ फॉर्च्यूनर का इंटीरियर प्रीमियम प्रीमियम नहीं है, उसको इंटीरियर प्रीमियम पसंद है इसलिए। अब लास्ट बॉडी फॉर्च्यूनर। चलो प्रिया का माहौल गर्म हो गया है, अब लास्ट दो सवाल मैं पूछ के दो पॉइंट आगे चलते हैं। अब लास्ट दो सवाल है प्रिया को पूछता हूँ, प्रिया अगर कवर कर सके तो भाई गजब, फिर एक टाई ब्रेकर होगा। व्हाट इज माय टी शर्ट साइज? अरे ये तो मेरे को पता ही है। एक सेकेंड लोगों को पतला दिखाने के लिए छोटा साइज मत लिख दियो। व्हाट इज माय टी शर्ट साइज? रोनक का साइज मत लिख दियो। अरे यार ये सब मत बोल यार, जैसे मैं तो लिख दिया अब जो भी लिखा भाई यही है। मेरे हिसाब से मुझे ये साइज की टी शर्ट पहनना पसंद है। अच्छा बता भाई। लास्ट सवाल जो कि मेरा आप लोगों से भी है, आप जब लोग ये वीडियो देखो तब गेस करना कि मेरे जहान चैनल पे सब्सक्राइबर्स कितने हैं एग्जैक्ट नंबर। प्रिया से एग्जैक्ट नंबर हाँ मतलब कितने के आसपास है तुम लोग बता दो। जहान पे, विहान गोयल चैनल पे, विहान गोयल जो सबसे बड़ा चैनल है अपना, जहान ना। हाँ ठीक है मैं बता दूंगी। चल प्रिया बता, अभी तूने परसों ही देखे थे जहां तक मुझे याद है।
बता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। ये तो देखे ऐसे जमाने हाँ, बाद देखते हैं तो याद भी नहीं रहता, इतने सारे चैनल है ना। हाँ बता बता, मुझे अपने के ना बचल बता। 4 पॉइंट हाँ एक्यूरेट बताइयो बहन, 4 पॉइंट के बाद बहुत मैटर करता है जीतने में तेरा। चल जल्दी बता। 8-3 हाँ ओके। 4.8 के अबव भी है हमारे, 4.8687 के आसपास है। ओके इसमें प्रिया का जवाब सही है, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स जो है 4.839, तूने बोला 4.6 तो प्रिया जीतती है। अभी भी मैं प्रिया को सवाल आ गए हूं, मैं जीत गई। हमारे सब्सक्राइबर्स हैं 4.8 मिलियन और लास्ट मिनट मतलब 48,39,000। तो जल्दी से उसको 5 मिलियन कर दो। और हमारे जो जहान चैनल के इसके ब्लॉगिंग चैनल बेहान जसलीन के इसके सब्सक्राइबर्स हैं हमारे 26,500। प्रिया गोयल के भी 92 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ये तो आज की विजेता है जसलीन। जसलीन को मेरी तरफ से मिलेगा एक कुकी का हैम्पर जो इसी ने मुझे लोगों को दिया था। तो जसलीन, जसलीन को मेरी तरफ से मिलती है, जसलीन को मेरी तरफ से मिलती है 4-8 पे चुम्मी। नहीं नहीं भाई, हम ये हमारा वो प्रिया को यकीन दिलाना पड़ता है कि तुम हक दियो पूरा। टिश्यू पेपर लेके आई। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना और वो जो ऊपर बेल होती है उसको बजा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्रिया को कल आप बहुत सारे टास्क करते हुए देखेंगे जो मैं इससे करवाऊंगा। जीव से पोछा लगवाऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।